क्या आप इन 10 पॉइंट्स को चेक करना बोल रहे हैं दैट कैन लीड टू अ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन? देखो, दरअसल बात यह है कि इंश्योरर अपने आप को लार्ज अमाउंट पे करने से बचाने के लिए आपके क्लेम को छोटी से छोटी डिटेल तक एग्जामिन करता है। अब इंश्योरेंस पेपर्स की टेक्निकलिटीज और प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में चांसेस है कि आप कुछ जरूरी डिटेल्स भूल जाए और वो आगे जाके क्लेम रिजेक्शन में बदल जाए। अरे पैनिक नॉट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग दैट यू शुड चेक टू गेट योर क्लेम पास्ट। तो नोटपैड लेके आ जाओ, वीडियो को एंड तक देखो और नोट करो, स्पेशली 9th पॉइंट। फर्स्ट, मेडिकली नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ वो हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है जो मेडिकली नेसेसरी हो। और ये कैसे पता लगेगा कि मेडिकली नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं? सिंपल है, चेक इफ योर हॉस्पिटलाइजेशन फिट्स इन दीज 4 कंडीशंस। इंजरी या मेडिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए मेडिकल असिस्टेंस और हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सेफ और एडिक्वेट केयर प्रोवाइड की जा रही हो रिक्वायर्ड एक्सटेंट और टाइम स्पैन के हिसाब से। हॉस्पिटलाइज्ड होना एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा रेकमेंडेड हो जो आपके साथ रिलेटेड ना हो। आपका ट्रीटमेंट इंटरनेशनल मेडिकल प्रैक्टिस या इंडियन मेडिकल कम्युनिटी के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता हो। व्हाट शुड यू डू? हॉस्पिटलाइजेशन से पहले इस ट्रीटमेंट को अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से लिखित में रिकमेंड करवा लें। अगर आप मेडिकल प्रोटोकॉल्स के बाहर हॉस्पिटलाइज्ड हो तो ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं हो सकते। सेकेंड, नो एक्टिव ट्रीटमेंट। अगर आप सिर्फ डायग्नोस्टिक या मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के अंदर नहीं आएगा। ऑल्सो, अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो इंश्योरर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं पे करेगा। व्हाट शुड यू डू देन? हमेशा जान लें कि आप एडमिशन क्यों ले रहे हैं और ट्रीटमेंट घर पर भी किया जा सकता है या नहीं। अगर आप मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो आपको एडमिशन के लिए खुद ही पेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड, ओवर चार्जिंग बाय दी हॉस्पिटल्स। इंडिया में हॉस्पिटल्स के बिलिंग प्रैक्टिसेस रेगुलेटेड नहीं होते। अलग अलग हॉस्पिटल्स एक ही ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग लोगों से अलग चार्जेस ले सकते हैं। कभी कभी ये चार्जेस टैरिफ या एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस के बाहर होते हैं, पर इंश्योरर इस अनरीजनेबल बिलिंग को तो कवर नहीं कर सकता। तो इंश्योरर्स रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के जरिए अपने आप को इस एक्सेसिव हॉस्पिटल बिलिंग से बचाते हैं। इंश्योरर्स आपके रीजन के हॉस्पिटल से कंसल्ट करके हर ट्रीटमेंट के लिए एक एवरेज कॉस्ट डिसाइड करते हैं। इसे रीजनेबल और कस्टमरी चार्जेस कहा जाता है और इसी लिमिट में किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरर आपको कवर करता है। सो व्हाट शुड यू डू? प्लान ट्रीटमेंट के केस में हॉस्पिटल से पहले से एस्टिमेट ले और सिमिलर ग्रेड हॉस्पिटल की कॉस्ट से कंपेयर कर लें। अगर हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहा है तो एक अल्टरनेट हॉस्पिटल खोजे जो रीजनेबल चार्जेस ले रहा हो और वहां ट्रीटमेंट ले। अगर आपके पास दूसरे हॉस्पिटल जाने का ऑप्शन नहीं है तो फिर सेम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का एक्सेसिव बिलिंग अपने पॉकेट से पे करने के लिए थोड़ा एक्सेसिव कैश रेडी रखें। फोर्थ, स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड। आपको शायद पता होगा कि इंश्योरर्स प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये सेम लिमिट्स और वेटिंग पीरियड्स इंश्योरर्स स्पेसिफिक डिसीजेस या ट्रीटमेंट्स के लिए भी लगाते हैं, फिर भले ही आपको वो डिसीज पॉलिसी खरीदते वक्त ना डायग्नोज हुई हो। क्लेम कब रिजेक्ट हो सकता है? अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ तो इंश्योरर ऐसे डिसीजेस ट्रीटमेंट्स के लिए क्लेम पे नहीं करेगा। इवन अगर आपने अपने हेल्थ प्लान को अपग्रेड भी करा तो अपग्रेडेड अमाउंट स्पेसिफाइड डिसीज या ट्रीटमेंट्स के वेटिंग पीरियड को कवर नहीं करेगी। फिफ्थ, ऑल्टरेशंस टू पॉलिसी फीचर्स एंड कंडीशंस। इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी बेनिफिट्स, कंडीशंस और प्राइसिंग को IRDAI से अप्रूवल लेके बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को स्टॉप करके आपको नए प्लान में माइग्रेट करा जा सकता है जिसमें अलग कंडीशंस भी हो सकती हैं। खैर, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स में चेंजेस करने से 3 महीने पहले नोटिफाई करती है। व्हाट शुड यू डू? अगर आपका ईमेल और नंबर अपडेटेड है तो आपको ये इंफॉर्मेशन टाइम पर मिल जाएगी, इसलिए इंश्योर करें कि आप अपने ईमेल और पोस्टल एड्रेस को इंश्योरर के साथ अपडेट रखें।
इंश्योरेंस कंपनी से आने वाले ईमेल्स को ट्रैक करते रहे। सिक्स, फाइलिंग द प्रपोजल फॉर्म रॉन्ग। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरर आपके लाइफ टाइम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का रिस्क उठाता है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई यू ऑन द प्रपोजल फॉर्म। अगर आपने यहाँ गलत डिटेल्स शेयर करी या कुछ इंटेंशनली छुपाया और इंश्योरर बाद में ये पता लगा लिया तो क्लेम रिजेक्ट तो हो ही सकता है, साथ में पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। व्हाट शुड यू डू? प्रपोजल फॉर्म खुद भरे, चाहे आप एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही पॉलिसी क्यों ना ले रहे। हर डिसीज, सर्जरी या मेजर इंजरी जो आपने पहले कभी फेस की है, सबके बारे में सच्ची सच्ची बताकर इंश्योरर को इन्फॉर्म करें। इंटेंशनली तो कुछ छुपाना ही नहीं, अगर आपने कुछ गलती से मिस भी कर दिया तो जितनी जल्दी हो सके इंश्योरर को राइटिंग में इन्फॉर्म करें। सेवेंथ, मिस डिटेल्स बाय योर एम्प्लॉयर और एचआर। अगर आप कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर्ड है तो आपका एम्प्लॉयर या एचआर टीम फैमिली के डिटेल्स इंश्योरेंस पोर्टल पर एड करना मिस कर सकता है, ये क्लेम के वक्त डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सो व्हाट शुड यू डू? अपने एम्प्लॉयर के साथ फॉलो अप करें जब तक आपको हर फैमिली मेंबर के लिए TPA कार्ड नहीं मिलता। जब आपको कार्ड्स मिल जाए तब कंफर्म करें कि सब डिटेल्स सही हैं। 8th, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट डिटेल्स टू द डॉक्टर। हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त डॉक्टर आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस, एलर्जीज एक्सेट्रा के बारे में डिटेल्स पूछेंगे। ये डिटेल्स डिलीजेंटली प्रोवाइड करना जरूरी है। डॉक्टर्स केस पेपर रिकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं जिसमें आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस, एलर्जीज की डिटेल्स होती हैं। ये केस पेपर्स इंश्योरर को भेजे जाते हैं जो क्लेम अप्रूवल को अफेक्ट करता है, तो इंश्योर करें कि सब इंफॉर्मेशन केयरफुली प्रोवाइड की जाए। 9th, रूम रेंट कैपिंग। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जिनका सम इंश्योर 5 लाख से कम होता है, उनमें रूम रेंट लिमिट्स होती हैं। ये लिमिट सिर्फ रूम की कॉस्ट नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल बिल को इम्पैक्ट करती है। सो व्हाट शुड यू डू? टू मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग दिस, पॉलिसी की वर्डिंग्स या ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है या नहीं। अगर है तो अपनी पॉलिसी रिन्यूअल से 2 महीने पहले किसी ऐसे प्लान में पोर्ट करवा लें जो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। सो व्हाट शुड यू डू? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस, एलर्जीज की डिटेल्स सही से डॉक्टर को दे। 10th, मिसिंग ट्रेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई करते वक्त आपको कई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जहां एप्लीकेबल हो, इनवॉइस, प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीट। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो इंश्योरर उस एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकता है भाई, और क्लेम अमाउंट कम हो सकता है। सो व्हाट शुड यू डू अबाउट इट? अपने बिल्स, रिसीट्स और डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रखें ताकि फ्यूचर में कोई हैसल ना हो। इंश्योर करें कि इनवॉइसेस और रिसीट्स जो हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलती हैं वो प्री नंबर्ड हो, क्योंकि इंश्योरर प्री नंबर इनवॉइस या रिसीट के बिना एक्सपेंसेस पे नहीं करेगा। सो दीज वर द 10 सिंपल येट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिखते हैं ईजी पर मिस होने पर डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, बट नॉट फॉर यू बिकॉज यू नो अबाउट देम नाउ। ऐसे ही और इंश्योरेंस ब्लंडर से बचने के लिए सब्सक्राइब SNC इंश्योरेंस।